अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सर्विस प्लस। सर्विस प्लस जो पोर्टल है, यहाँ पर आप जाकर के अपना बर्थ सर्टिफिकेट या किसी भी तरीके के गवर्नमेंट सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको क्रोम में जाकर के सर्विस प्लस आपको टाइप करना है, जैसे ही सर्विस प्लस आप टाइप करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस में आप जाकर के रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के लिए आपको जैसे रजिस्टर वाले पेज पर जाएंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको वन बाई वन करके ईजिली इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको प्रॉपर एक रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद उसमें आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी की होने के बाद आपका जो भी कॉलम है वो फिल करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी से आपका जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। ऐप लॉगिन हो जाएगा। ऐप लॉगिन होने के बाद क्या होगा, आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। उस आईडी पासवर्ड से को आपको इसमें डाल करके सबमिट करना पड़ेगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो एक इस तरह के से इंटरफेस आएगा और वो वर्क इसमें कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स कंफर्मेशन हो जाएगा फॉर्म का। अब हम करेंगे सर्विस प्लस पे लॉगिन हमारा हो गया है। अब देखते हैं कि कैसे इसको लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो हम इस तरह से इंटरफेस में जाएंगे। लॉगिन में जो हमारी आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ है उस आईडी पासवर्ड को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा कैप्चा कोड आएगा। इस कैप्चा कोड को हम इसमें फिल करेंगे। कैप्चा कोड जैसे ही हमारा फिल हो जाएगा इंटरफेस पे, वैसे हमारी हम उसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो हमारा इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा सर्विस प्लस पर। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ऐसा एक एप्लीकेशन आएगा अप्लाई करने का। अब अप्लाई करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे आपको कंट्रीज आएंगे, बहुत सारी इसमें स्टेट्स आएंगे और शो करेंगे जितना इसमें रिजल्ट है। हमें टाइप करना है बर्थ सर्टिफिकेट इससे सर्च इंजन में जा करके। जैसे हम इसमें बर्थ सर्टिफिकेट सर्च करेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट का हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ शो करने लगेगा। इंटरफेस पे इसलिए डिफरेंट टाइप का हुआ रहा क्योंकि हमारा सिलेक्शन इसमें उत्तर प्रदेश का है और शो 10 हो रहा है। हमें ऑल करना पड़ेगा, उसके बाद हमें शो 100 करना पड़ेगा जिससे कि हमारा सारा रिजल्ट आ जाए, जो 1 से लेकर 100 तक का सीरियल नंबर पे इसमें हमारी सर्विसेज दे गई हैं। अब हम इसमें बर्थ सर्टिफिकेट टाइप करेंगे। जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट टाइप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ऊपर खोलने दिखने लग जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन पे आ रहा है इशू बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन, इशू बर्थ सर्टिफिकेट रूरल, तो हम इस पर क्लिक करके अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, रूरल एरिया में जो देहात एरिया में रहते हैं वो कर सकते हैं, अर्बन मीन्स सिटीज़ में जो रह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस पर इजीली क्लिक करेंगे। सपोज़ आप अर्बन एरिया के हैं तो एक इस तरह से फॉर्म आ जाएगा बर्थ रिपोर्ट करके। अब इसमें क्या है, आपको चूज करना है कि आप किस एरिया से हैं। लीगल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी, सेक्स आपका फिल करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा फिल, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके जिप कोड क्या है, ब्लॉक डिवीजन क्या है, जो आपका पर्सनल डिटेल है दैट मीन्स वो आपको फिल करना पड़ेगा, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरफेस आएगा उसे आप कंप्लीटली अच्छे से रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद डिक्लेरेशन एंड एग्री करेंगे और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भर के सबमिट का फिर इसमें भी बटन आ जाएगा। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। सबमिट होने के बाद होगा क्या फ्रेंड्स, जैसे अभी इसमें सबमिट हो रहा है, सबमिट होने के बाद क्या होगा, आपका ऐसे थ्री डॉट करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस दिखाने लगेगा। मींस जब भी आपका एप्लीकेशन का स्टेटस कैसा है, आपने अप्लाई किया उस डेट पर रेफरेंस नंबर डाल के गेट डाटा आ जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका हमारा बर्थ सर्टिफिकेट कब आएगा, उसका ट्रैक कर सकते हैं उसका एप्लीकेशन। ये एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट इजिली बना सकते हैं और डाउनलोड